आदाब सत श्री अकाल। जेके न्यूज नेटवर्क के सेगमेंट बॉलीवुड गपशप में मैं शाहीन अली आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। भारत में जारी किसान आंदोलन में अब पूरी दुनिया की नजर में आ गई है। कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे किसानों को अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि इसी बीच अब किसानों को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। अब हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर हैंडल से किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। रिहाना ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना के ट्वीट पर लगातार बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जहां रिहाना के ट्वीट का समर्थन किया, वहीं कंगना रनावत ने रिहाना के इस ट्वीट का जवाब दिया। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और चाइनीज जैसी कॉलोनी बना सके। कंगना रनावत ने आगे लिखा, बैठ जाओ मूर्ख, हम तुम डमी की तरह अपना देश नहीं बेच रहे। कंगना रनावत के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर से कंगना के ट्वीट के खिलाफ ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए उनके दो ट्वीट को डिलीट कर दिया है। कंगना की सोशल मीडिया पर एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ से काफी बहस होती है। 3 फरवरी को दिलजीत का गाना रीरी रिलीज हुआ था, जिसे रिहाना को समर्पित किया गया था और इस गाने में रिहाना को ईश्वर का तोहफा बताया गया था। किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में रिहाना के ट्वीट के अगले दिन ही दिलजीत ने ये गाना रिलीज किया था, जिसके बाद कंगना ने इस गाने को लेकर दिलजीत पर तीखा हमला बोला था। कंगना ने दिलजीत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, इसको भी 2 रुपए बनाने हैं, ये कब से प्लान हो रहा है, 1 महीने तो कम से कम लगेगा इस वीडियो को तैयार करने में, इसका ऐलान करने, लेकिन फिर भी ये लिब्रो चाहते हैं कि ये यकीन करे कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। कंगना के ट्वीट पर दिलजीत ने पलटवार करते हुए लिखा, अपनी 2 रुपए वाली नौकरी के बारे में मुझे ना बताओ, हम तो गाना आधे घंटे में भी बना लेते हैं, 2 मिनट ही लगेंगे तुम पर गाना बनाने में, लेकिन तुम पर गाना बनाने का मन नहीं करता है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क के सेगमेंट बॉलीवुड गपशप की कुछ खास खबरें। तो ऐसे ही हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।